as I dwell into the breathtaking beauty of nature, I realize how little of this world we will get to experience. So travel and explore till you can. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज है नेक्स्ट सुबह, हम लोग कल पहुँचे थे एंड आज बहुत अच्छा नहीं लगा ठंडी ठंडी हवाओं में. एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड थोड़े देर बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके कंप्लीटली रेडी होके फिर हम लोग निकलेंगे आज के ट्रिप के लिए. डे टू ऑफ शिलोंग और आज हम कहाँ जाएंगे, कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, वो देखने के लिए आपको ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा. तो बी विद अस इन टुडेज़ जर्नी. एंड हमारे यहाँ बहुत प्यारे प्यारे डॉगीज के बच्चे हैं. कहाँ गायब हो गया सर? सुबह सुबह ऊपर आए थे सब एक साथ गुच्छा बन के. इतना हेल्दी हेल्दी बेबीज है. मजा आ गया पीछे देने. मैं क्या नो ही नो मसा सिंह से आ है प्रोडक्ट है पैकेट अनियन बोल के तो रे होए हो पिज्जा के होए न क्या शांति है यहाँ पे सुबह सुबह. हमारे ठीक ऑपोजिट में एक चर्च भी है, बहुत बड़ा चर्च है यहाँ पे. और बाकी आज क्या कौन सा जगह एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, वो हम लोग दिखाएंगे जब निकलेंगे हम लोग रेडी होकर के. तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मजा आने वाला है. मजा एकदम मजा. तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं आज का डे टू ट्रिप के लिए. सो वी आर ऑल रेडी एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं. इसको आप डिक में डाल दो. सेफ्टी के लिए हमने एक एक्स्ट्रा कोट और अम्ब्रेला लिया है इन केस ऑफ इट रेन्स. अभी हम लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं. सबसे पहले हम लोग काम है अभी कनेक्ट करो मैप. कनेक्ट मैप कनेक्ट करो. वही तो अभी जस्ट कनेक्शन हो गया है एंड हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. हम लोग निकल रहे हैं स्ट्रीम विला के एरिया से, मतलब जो अपार्टमेंट था उसका नाम स्ट्रीम विला है. वहाँ से निकल रहे हैं एंड यू कैन सी हियर इतना अच्छा सा दे आर मेकिंग ऑफ दिस. यहाँ पे प्लांट देयर पुट प्लांट्स, सब घरों में फ्लावर्स है. तो शिलोंग की ठंडी हवा को वेलकम करते हुए वी स्पेंड अ डे. कल हम लोग ऐसे वॉकिंग के लिए निकले थे शाम को. तो वॉकिंग के लिए निकलते निकलते वहाँ पे आगे में एक ट्री है एंड यहाँ पे जो फ्लावर्स है पिंक कलर गुलदस्ता का तरह है. एंड आफ्टर अ प्लेजेंट स्लीप अगले दिन हम चल पड़े एक नए सफर पर. मौसम तो ठीक है फिलहाल, गर्मी भी नहीं है इतना, ठंडा भी नहीं है. इट्स लाइक मॉडरेट वेदर. तो इफ यू आर कमिंग इन शिलोंग आई थिंक इन जुलाई, अभी के टाइम पे तो यू नॉट हैव टू ब्रिंग समथिंग टू हैवी. लाइट स्वेटर से काम चल जाएगा विद अ स्वेटशर्ट और समथिंग. देखो हैप्पी वैली इस तरफ है. देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये है मदन ट्री, उस तरफ है हैप्पी वैली और आगे की तरफ है जवाई मालीदोर सिलसिला. तो हम जा रहे हैं जवाई मालीदोर सिलसिला जो लिखा हुआ है इस साइड में, क्योंकि हमें जाना है लाइट लूम. इस तरह सारी तैयारी के साथ हम शिलोंग की गलियों से होते हुए उतार चढ़ाव भरे रास्तों से होकर चल पड़े आज के सफर पे. और ये रहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप.
सो पेट्रोल भरा लिया, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग को जाना है स्ट्रेट लाइट लूम। पेट्रोल पंप से कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें रास्ते में पुलिस चेकिंग मिला, जहाँ कुछ देर हम रुके और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद हम आगे बढ़े लाइट लूम के ओर। The term light loom literally translates to end of hills, and it thus justifies its name. Hi. Shillong Center Point, that is Police Bazaar, se light loom ka duri hai 38 km, which will require around 1 hour 30 minutes to 40 minutes depending on the traffic to reach. There is a popular saying that it's not just about the destination, it is about the journey, and it is indeed true. Raste mein jo aapko nazare milenge, it's worth every decision that led you here. आई थिंक हम लोग पहुँच गए हैं अभी लाइट रूम में, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग करवा रहा है एंड यहाँ पे पूरा फॉग ही फॉग है यार। फाइनली इतना सारा आज अप्स एंड डाउन्स के बाद इट्स ऑल फॉगी हियर। वाओ क्लाउड्स देखो ना, तो वी आर हियर एंड अभी टिकट का एक काउंटर है छोटा सा, तो टू व्हीलर के लिए चाहिए कि नहीं वी आर गोइंग टू आक्स एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टू व्हीलर के लिए 30 rupees है एंड फोर व्हीलर के लिए दे हैव अ येलो टिकट। ये है शिलोंग लाइट लूम रिसीट, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइसेस आल्सो। As magnificent the lush green view of the valley, magical are the clouds surrounding, swirling and dancing in the rhythm of nature, pleasing one's soul will be. Such is the beauty of light loom. सो आप लोग ने देखा होगा द एरिया इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सारा क्लाउड से भरा हुआ वैलीज, पहाड़ का व्यू। बट हम मैंने जो नेट में देखा था वहाँ पे ना वो पहाड़ के साइड साइड में वुडन करके कुछ फैंस टाइप का लगा हुआ था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये वही प्लेस है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आई माइट बी रॉन्ग, वो कुछ और जगह हो सकता है और मे बी यहाँ पे और भी व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हम लोग आगे जा रहे हैं टू चेक। So we came up here. मिल गया, अरे अरे हाँ मिल गया, क्या बुढ़बक कतरा हो गया अभी ढूंढ रहा है। मिल गया मिल गया, जो भी फोटो है मुझे भी लगा था वो यहीं पे है। इट वॉज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। वो रहा फैंस।
तो अभी 1:15 बज गए हैं और हम लोग आज का दिन मेनली हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे एंड देन नियर बाई एरियाज। यहाँ पे मोमो मिल जाना चाहिए था, लोकल मेड, मज़ा आता। तो ये है मेन व्यू पॉइंट, कि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। जो पुराना व्यू पॉइंट है वो ये है जो अभी हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। दूसरा एक और व्यू पॉइंट, थोड़ा नीचे उतर के एक व्यू पॉइंट से दूसरे व्यू पॉइंट पे वी आर हॉपिंग व्यू पॉइंट्स। अभी थोड़ा और आगे जाके देख रहे हैं इफ वी फाइंड समथिंग एल्स। है उधर में, ये तो बहुत नीचे जाएगा रे, तो मेरे सर तक आएगा, इसको पकड़ो। रुको इधर, अच्छा वो उतरे क्या वहाँ पर? नीचे में भी है, ये वाला ट्रेल है जो नीचे में जाता है और नीचे में जाके भी एक है। रुको देखते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं उतरने का। कितना ये है रास्ता, ये पूरा अच्छे से स्टेयर्स बनाया तो नहीं है फिलहाल, यहाँ पर देखते हैं तो स्लिपरी है कि नहीं। ये है एडवेंचर यहाँ का नाम का ट्रैकिंग, शूज भी ट्रैकिंग वाला शूज़ नहीं है बट ये थोड़ा सा ट्रैक, छोटा सा ट्रेल हमको मिला। हाय, नीचे तक का व्यू, वो रहा व्यू पॉइंट वहाँ पर हम लोग थे पहले। क्लाउड्स क्या सुंदर है, पूरा क्लाउड ही यहाँ पर। कतरों के खिलाड़ी बने हुए यहाँ पर, साइड में बार है, लटक पटक के। और नीचे नहीं जाएगा वहां पे, सब क्लाउड से क्लाउड कुछ दिखाई देख के आते ना वहां पर क्या है। आ जाओ नीचे, आ जाओ खतरों के खिलाड़ी बन के आ जाओ। और जब भी ऐसे ट्रेल कुछ ट्रैकिंग टाइप का कुछ होता है तो फिर हमेशा बूट पहन के आता है। ये वाला बूट लास्ट टाइम हम लोग वही साउथ में गए, इतना हिल था मेरा वही साउथ में, इतना हिल का बूट था, वही पहन के उतरा लेकिन। शाबाश, चलो मैं आगे चलता हूं। देखो ऐसा रास्ता है, कच्चा कच्चा टाइप का, सीमेंट का बना हुआ है सर, बट ये है साइड में सपोर्ट के लिए, वुडन टेक्सचर दिया बट है सीमेंट का। हाँ सीमेंट का है, अंदर में कंक्रीट है, ये अंदर में रोड है, ऊपर में ब्रिज के लिए बनाया हुआ है ना ये सब लेयर। तो मजा लग रहा है ना बट, यस यहाँ पे और रास्ता है, पूरा व्हाइट, लिटरली स्टैंडिंग अमिड्स क्लाउड। अरे यहाँ पे भी है, देखो वहाँ पे व्यू पॉइंट है। और यहाँ पे कुछ बन रहा है तो मैं परमिशन लेकर के देखता हूँ, अगर कुछ दिखा सकूँ आप लोगों को। बादल के बीच में से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है घर, छोटे छोटे घर बने हुए वहां पर। महारानी पृथ्वी का हालत देखो, अलग मूड में हूँ मैं मैं दुनियादारी से दूर हूँ अभी बहुत। मजा आई है, क्या मस्त लग रहा है ये एज यहाँ पर, ये जो दिख रहा है थोड़ा सा एज देखो, इसके पीछे में क्लाउड्स उठ के आ रहा है, कितना मस्त लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना। अगर कोई मुझे पूछे क्या वाकई में लाइटलूम सुंदर है, तो जवाब में इतना ही बोलूंगी, इफ यू नेवर गो यू विल नेवर नो।